हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए धमाकेदार वीडियो में। मरकुस 13:32 वचन में लिखा हुआ है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। देखिए, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे थे, ना तो मुझे पता है और ना तो स्वर्गदूतों को पता है, परंतु केवल पिता को पता है, पिता जानता है। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि वह समय कब आएगा। इसलिए यीशु बार बार कह रहे थे कि तुम तैयार रहो, जागते रहो। यीशु आपको बचाना चाहता है, इसलिए यीशु मसीह कहता है जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि मेरे बेटे बेटियां नरक जाएं। अपने आपको तैयार करो भाई, समय थोड़ा बचा हुआ है, अभी आप यीशु को मत बुलाओ भाई, अभी आप तैयार नहीं हो। जहाँ पर यीशु रहता है वह जगह पवित्र है, और वहाँ सिर्फ पवित्र लोग ही जा सकते हैं। तुमने जो पाप किया है यीशु ने देखा है भैया, झाड़ियों में किया है, टीलों पे किया है, अंधियारे में किया है, चाहे जहाँ छिपके पाप किया है यीशु ने देखा है। अपने पापों को यीशु के सामने मानो, पश्चाताप करो, वरना यही हस्ती आपको एक दिन डुबा देगी। मसीह विरोधी के दिन में इस पृथ्वी पर त्राही त्राही मची होगी मेरे प्रियो, इसलिए तैयार हो जाओ, पाप मत करो भैया। यहाँ भी चैन नहीं, और मरने के बाद सीधा डायरेक्ट आग में डाल दिया जाएगा। अगर एक बार उस नर्क में चले गए तो वहाँ जो आग है वो कभी नहीं बुझेगी, और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको पाप से बचाना चाहता हूँ, क्योंकि आप पाप के जरिए ही नर्क में जाओगे। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि पाप परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखिए, यीशु के साथ रैप्चर में वही लोग उठाए जाएंगे जो पवित्र होंगे, जो धर्मी होंगे, वही यीशु के साथ बादलों पे उठाए जाएंगे। जरा सोचो मेरे भाई, इस पृथ्वी पर से शांति उठा ली जाएगी तो क्या होगा? इस पृथ्वी पर मसीह विरोधी मरुआ डालेगा अगर कोई उसकी आराधना नहीं करेगा। मत्ती की पुस्तक 24:37 वचन से लेकर 39 वचन तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ। ठीक है भैया, वीडियो में बने रहे लास्ट तक, आपको डिटेल से बताया जाएगा भी, ठीक है? क्योंकि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन नूह जहाज पे न चढ़ा, उस दिन लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक उनको जल प्रलय आकर उन सभी को बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। अभी तो भैया पाप करने में बड़ा मजा आता है, लव यू कहने में बड़ा मजा आता है, सेक्स वीडियो देखने में बड़ा मजा आता है, और अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री के साथ में विचार करने में बड़ा मजा आ रहा है। अभी तो बड़ा मजा आता है, इस बात को याद रखना, जब आपको दूसरी मृत्यु दी जाएगी तब वह खूब एक दूसरे को लव यू कहना और खूब सेक्स वीडियो देखना। उस समय वहाँ पर इतना हाहाकार मचा होगा। अभी तो भैया खूब एक यीशु आराम से जिंदगी बिता रहे हो, मगर यीशु का वचन क्या कहता है तो सुन लो, कि ऐसी ही जिंदगी लोग नूह के दिनों में बिता रहे थे, मगर नूह की बातों ने लोगों ने नहीं माना, उसकी बातों को हंसी ठट्ठों में उड़ा रहे थे, परमेश्वर के सामने पश्चाताप की प्रार्थना नहीं की। नूह को तो लोग पागल कह रहे थे, पागल, उसका ठट्ठा मजाक कर रहे थे, जब तक उनको जल प्रलय बहाकर न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। तब वही लोग नूह के सामने चिल्ला कर कह रहे थे, नूह मुझे बचा ले, परमेश्वर के कहर से मुझे बचा ले। और उन लोगों का क्या हाल हुआ? विनाश हुआ, विनाश मेरे प्रियो। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। मेरे प्रियो, दिन में तो लोग अपने सभी लोग अपने खेतों में काम काज करते हैं, मगर जो यीशु पे विश्वास करता होगा, जो धर्मी होगा, वही स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। जो दो स्त्रियाँ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी, यानी जो यीशु पे विश्वास करती होगी वह उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। देखिए, जरा सोचो, अगर जहाज का ड्राइवर यीशु पे विश्वास करता होगा और वह यीशु के साथ उठा लिया जाएगा रैप्चर में, और जो जहाज में बैठे यात्रियों का क्या हाल होगा? जहाज कहाँ जाएगा, उनका क्या हाल होगा? उनका विनाश होगा मेरे प्रिय, विनाश। अगर ट्रेन का ड्राइवर यीशु पे विश्वास करता होगा और वह यीशु के साथ स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, तो उन बैठे ट्रेन में बैठे यात्रियों का क्या हाल होगा? ट्रेन कहाँ जाएगी मेरे प्रियो? उन लोगों का क्या हाल होगा? उन लोगों का विनाश होगा, विनाश। मेरे भाइयों, इस बात को आप गहराई से सोचो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाएगा। यहाँ मेरे प्रियो, जागने का मतलब ये है कि हमें वचन में मजबूत बने रहना है, पवित्रता में चलना है, पापों की नींद में नहीं सोना है, दुनिया की भीड़ में नहीं खोना है।
प्रार्थना में लगे रहना, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं होगे, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। हमें पापों की नींद में नहीं सोना है, क्योंकि जब यीशु मसीह आए तो उसके साथ जरूर चले जाना। अभी देखा जाए संसार में त्राही त्राही मची हुई है। रूस और यूक्रेन में कितना बड़ा युद्ध चल रहा है। यूट्यूब पर झूठी शिक्षाओं को फैलाया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है उद्धार पाने से, क्योंकि ऐसे लोगों का उद्देश्य यह है अपने साथ लाखों करोड़ों आत्माओं को नरक मिले जाना। कोई आज यूट्यूब पे सच्चाई नहीं बता रहा है, कोई यूट्यूब पे स्वर्ग और नरक के बारे में नहीं बता रहा है, बस फालतू की चीज़ें यूट्यूब पे बताई जा रही है बस पैसों के चक्कर में। इसलिए अभी सभी लोगों से बताया जा रहा है कि पाप मत करो, पाप मत करो। भैया कब तक पाप करते रहोगे, कब तक लड़कियों की ताक झाक में लगे रहोगे, क्या अंत नहीं, कभी तो अंत होगा इन सब पापों का। इसलिए परमेश्वर ये नहीं चाहता मेरे भाई कि कोई भी नरक जाए, सबको मन फिराने का अवसर दिया। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। जब आप खुद पाप करके उस नरक में जाना चाहते हो, थोड़ा सा मजा, थोड़ा सा शारीरिक मजा लेने के चक्कर में उस नरक में जाना चाहते हो, तो उसमें परमेश्वर क्या करे, थोड़ी सी मजा अनंत काल की सजा लेने के चक्कर में मत करो, मत करो मेरे प्रियो। मैं आपको बचाना चाहता हूँ, बार बार हर वीडियो में चिल्ला के आप सभी से बता रहा हूँ कि भैया पाप मत करो, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि सभी आप सभी लोगों को पाप से बचाना, क्योंकि पाप परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप पाप के जरिए ही नरक जाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने मसीह भाई बहनों के पास। परमेश्वर के लिए आप ये काम कर सकते हैं। जब एक आत्मा बसती है तो स्वर्ग में कितना खुशियाँ स्वर्गदूत मनाते हैं। परमेश्वर उसके बदले आपको इनाम देगा, मुकुट देगा। भैया वीडियो शेयर कर दें। आप सभी को जय मसीह की।